हाँ, इसको एडिट करना शुरू करेंगे। फोटो की साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है की, तो थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे से, एक इसकी लेयर की कॉपी करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सेम कर देता हूँ, जो भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे उसको सेम कर दे रहा हूँ। इसकी साइज़ रखेंगे हम वेट 3000, हाइट 2000, पिक्सल में हमने कर रखा है इसको, पिक्सल में देख लीजिए आप। ओके, तो इसकी पिक्सल छोटे हो चुके हैं अब। हम इसे वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा कैमरा रो। ओके, देन कैमरा रो इज़ ओपन, कैमरा रो खुल चुका है। और अब हम इसके हाइलाइट्स कम करेंगे, शेडो बढ़ाएंगे, ब्लैकनेस कम करेंगे, क्लैरिटी बढ़ाएंगे। ओके, थोड़ा सा कंट्रास्ट। ओके, लेट्स आप थोड़ी सी डिफरेंस एडजस्ट। ठीक है, हम यूज़ करेंगे HSL एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम येलो कलर की जो अपेसिटी है वो कम करेंगे, मतलब येलो कलर जो ज़्यादा दिख रहा है उसको कम करेंगे। पूरे फोटो में से येलो कलर कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं अदर कलर भी हटाना चाहूँगा। हाँ ठीक है, ना से अच्छी दिख रही है, एक बार हम इसे देख सकते हैं। इस तरह से हमारा फोटो में चेंजेस होता है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिल्टर यूज़ करेंगे हम। ओके, थोड़ा सा आसपास डार्क एरिया करेंगे, फोकस देंगे बंदे की बॉडी पर। देखिए, अब देख सकते हैं। अब हम हाइलाइट्स, स्पीड ट्यूनिंग, हाइलाइट्स और शेडो पर कलर ऐड करेंगे। जैसे कि मैं ऐड करना चाहूँगा 230 एंड 20 ऑपोजिटी एंड 60 ह्यू एंड 20 सैचुरेशंस। हम सैचुरेशंस कम करेंगे, बैलेंस को हम ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फोटो हो चुका है, ये देखिए। ओके, अब हमने कैमरा रो यूज़ कर चुके हैं। अब मैं चाहूँगा इसके द्वारा, स्पॉट हीलिंग ब्रश के द्वारा जो ये दाग है इनको हटाएंगे बॉडी पर से। ओके, एक पहले खाली लेयर बनाएंगे, फिर शिफ्ट और बैक स्केप दोनों एक साथ दबाएंगे, देन 50% ग्रे पे ओके कर देंगे, 100% ओपेसिटी एंड नॉर्मल। ओके, फिर नॉर्मल जो यहाँ पर हुआ है यहाँ पर हम ओवरले करेंगे। और उसके बाद हम डोंगल टूल यूज़ करेंगे, 20% ओपेसिटी मैंने कम कर रखी है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो के हिसाब से इसको रखना पड़ता है।
काफी अच्छा फोटो लग रहा है, देख सकते हैं। अब हमने हाइलाइट्स को यूज कर लिया, अब हमें थोड़ा सा बर्न टूल यूज करेंगे एरिया में शेडो देने के लिए। जैसे कि ये चेस्ट है तो इस तरफ शेडो देंगे, चेस्ट और हैवी दिखेगा। काफी अच्छा फोटो आ चुका है जी। इस तरह से हमने फोटो में काफी चेंजेस कर दिया, देखिए आप काफी अच्छा फोटो। अब थोड़ा सा हम स्किन इसकी स्मूथ करेंगे, काफी काफी खतरनाक स्किन दिख रही है, इसको सही करेंगे, स्किन को स्मूथ करेंगे थोड़ा सा, इससे पिक में और जान आ जाएगी। इसके लिए हमने टूल यूज किया है मिक्सचर ब्रश टूल, और हम इसको यूज कर रहे हैं, पहले अल्टर को यूज करते हैं, जहां पर हमें ब्रश चलाना है वहां पर अल्टर दबा के माउस का लेफ्ट बटन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अल्टर को छोड़ के वहां पर ब्रश चलाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम अल्टर यूज करेंगे, फिर हम अल्टर यूज करेंगे, फिर हम अल्टर यूज कर रहे हैं, अल्टर यूज करके माउस का लेफ्ट बटन यूज किया और देख सकते हैं इसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे, स्किन को स्मूथ कर रहे हैं। काफी अच्छा दिख रहा है फोटो, मैं इस तरफ भी हल्का सा लाइटनेस दे देता हूँ और यहाँ पर इस तरफ भी हल्का सा लाइटनेस दे देता हूँ। देख सकते हैं आप काफी अच्छा हो चुका है हमारा फोटो, पर्सनैलिटी भी काफी हैवी आ चुकी है। और हमारा अगला फिल्टर है सिलेक्टिव कलर, देन रेड यूज येलो ब्लैक को हम पूरी तरह से माइनस कर देंगे -100%, देन ओके ठीक है। अब इसको इन्वर्ट करेंगे, मैं कंट्रोल आई से ब्रश टूल यूज करेंगे, ब्रश में हम यूज करेंगे 70 ओपेसिटी के साथ छोटा करेंगे ब्रश को, एंड हम वहीं पर यूज़ करेंगे ब्लैक। यहाँ पर अगर ब्लैक कलर है तो आपको यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम ब्रश को ड्रॉ करेंगे।
us. Ride without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. ठीक है, तो अब इन दोनों लेयर को हम मैरिज करेंगे, मैरिज लेयर्स, ओके। और हम वापस कैमरा रूम में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल जेड करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा फोटो था, इसमें शार्पनेस आ चुकी। मैं चाहता हूँ एक और इफेक्ट इसके अंदर यूज करूँ, इसलिए कलर लुक अप करके। ठीक है, 5218 इसको यूज करूँ, यूज किया है मैंने। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो चुका है फोटो, इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्रॉस यूज करूँगा। क्रॉस की सेटिंग्स इस तरह से आप देख सकते हैं। काफ़ी शानदार हो चुका है। काफी अच्छा लग रहा है। अब हम इसको हमारा लोगो लगा लीजिए, आप अपना लोगो लगा लीजिए। ओके, ठीक है, देखिए फोटो कंप्लीट हो चुका है। इसकी बॉर्डर बना देते हैं एडिट में जाके। स्ट्रोक 10%, कलर 10, कलर व्हाइट, सेंटर नॉर्मल 100% ओपेसिटी, देन ओके। चलो सेव करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी एडिटिंग पसंद आई हो और हमारा तरीका काफ़ी अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।